तो वेलकम, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर्य जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम शर्मा और दिनांक 29 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स पर आज हम चर्चा करेंगे। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि जो प्रीशियस मैटर है ये बहुत से छात्रों तक पहुँच सके जिनको इसकी ज़रूरत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की और देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न जो है उन पर आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है आपको कमेंट बॉक्स में भी और डिस्क्रिप्शन में भी, वहां से जाकर के आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहां पर आपको इसकी PDF अवेलेबल हो जाएगी। चलिए तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हैं। सबसे पहले हम आज चर्चा करेंगे T20 इंटरनेशनल में रिकॉर्ड बनाने वाली महिला खिलाड़ी के बारे में, जिन्होंने जो है पहली बार T20 में 7 विकेट लिए हैं। तो ऐसा कारनामा पहली बार हुआ है, इससे पहले कभी किसी ने 7 विकेट नहीं लिए थे, 6 विकेट तक इसमें पहले ले चुके हैं। तो 7 विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी कौन है ये हम देखेंगे। इसके बाद भारतीय शोधकर्ताओं ने हाल ही में 3 बड़े ब्लैक होल जो है उनकी खोज की है, तो उन ब्लैक होल्स पर हम चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि ब्लैक होल क्या होता है, उसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम प्रधानमंत्री जनधन योजना के जो 7 साल पूरे हो गए तो क्या प्रोग्रेस सरकार ने की है, क्योंकि इस योजना पर प्रश्न पूछा जा सकता है, जितना भी इसमें जो फैक्ट्स हैं उन पर हम एक बार नजर डाल लेंगे। NSG द्वारा अपने वार्षिक अभ्यास गांडीव जो है उसका आयोजन हाल ही में किया गया, ये गांडीव युद्धाभ्यास क्या है इसको हम देखेंगे। शेयर्ड डेस्टिनी 2021 नामक एक अंतर्राष्ट्रीय शांति अभ्यास जो कि एशिया महाद्वीप के देशों द्वारा किया जाता है उस पर हम चर्चा करेंगे। और अंत में राजस्थान की पहली हेलीकॉप्टर जॉयराइड जो कि कल शुरू हुई है उस पर भी बात करेंगे। तो आप बने रहे अंत तक और शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न के साथ। T20 इंटरनेशनल में दोस्तों बहुत से खिलाड़ी जो हैं वो भाग लेते हैं और इनमें से जो है अब तक जितना भी जो रिकॉर्ड रहा है वो है 1 मैच में 6 विकेट लेने का रिकॉर्ड। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी महिला खिलाड़ी ने 1 मैच में जो है 7 विकेट लेकर के और अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। ये खिलाड़ी है फ्रेडरिक ओवरडिक, नीदरलैंड की फ्रेडरिक ओवरडिक ने ये कारनामा किया और ये कारनामा उन्होंने जो है फ्रांस के खिलाफ खेले गए 1 मैच में किया। तो वो एक तेज गेंदबाज है जिन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। तो ये नाम आप याद कर लीजिए फ्रेडरिक ओवरडिक, क्योंकि फ्रेडरिक ओवरडिक के नाम पर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पुरुष और महिला दोनों को मिलाकर पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी गेंदबाज ने 7 विकेट एक पारी में लिए हैं। उन्होंने कुल 4 ओवर गेंदबाजी की, 2 ओवर उन्होंने मेडन फेंके और टोटल 7 सफलताएं केवल 3 रन देकर के उन्होंने अर्जित की है। तो यहां पर मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, 4 ओवर उन्होंने फेंके हैं, 7 विकेट लिए, 2 मेडन और 3 रन, ये इनके जो उनका प्रदर्शन है उसके बारे में। इसके बाद में अगर बात करें इससे पूर्व की तो भारत के जो चाहर हैं उन्होंने जो है 3.2 ओवर में 7 रन देकर 6 विकेट लिए थे बांग्लादेश के खिलाफ 2019 में। दूसरे नंबर पे मैंडिस है, मैंडिस ने 2 बार ये कारनामा किया और उन्होंने भी 6-6 विकेट जो है जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2012 और 2011 में लिए थे। इसके बाद में युजवेंद्र चहल ने जो है 4 ओवर में 25 रन देकर के 6 विकेट लिए थे इंग्लैंड के खिलाफ 2017 में। तो ये पुरुष क्रिकेट में अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, जबकि फ्रेडरिक ओवरडिक जो कि महिला खिलाड़ी है उन्होंने यहां पर ये रिकॉर्ड अब अपने नाम पर कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय शोधकर्ताओं ने किस टेलीस्कोप का प्रयोग करके 3 बड़े ब्लैक होल की खोज की है? तो पहली बार भारतीय शोधकर्ताओं को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है जहां पर उन्होंने जो है फ्रांस की एक टीम के साथ में मिलकर के और ब्लैक होल्स की खोज की है। एस्ट्रोसेट जो कि हमारा इमेजिंग टेलीस्कोप है, भारतीय एस्ट्रोसेट वैधशाला है जिसको हमने लॉन्च किया था अंतरिक्ष में, ठीक है, उसका प्रयोग किया गया है। यूरोपीय इंटीग्रल फील्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप का प्रयोग किया गया है और इसके साथ वेरी लार्ज टेलीस्कोप जो है VLT उसका प्रयोग किया है जो कि चिली पेरू में स्थित है। इन तीनों का प्रयोग करके और यहां पर जो है इस ब्लैक होल की खोज की गई है। तो भारतीय शोधकर्ताओं ने फ्रांसीसी साथियों के साथ मिलकर के इन ब्लैक होल की खोज की। बड़े आकार के ब्लैक होल को खोजना मुश्किल होता है,
क्योंकि ब्लैक होल जो बॉडीज होती हैं उनका काम ही क्या होता है, उनका ग्रेविटेशनल फोर्स इनफाइनाइट होता है, और उनके दायरे में आने वाली प्रत्येक चीज, यहाँ तक कि प्रकाश जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से गति पर जाता है, उसको भी जो है वो कैप्चर कर लेता है और उसको अपने अंदर समावेशित कर लेता है। तो किसी भी तरह का प्रकाश इनसे बाहर नहीं निकलता, और जब तक आपके पास प्रकाश नहीं आएगा तब तक आप ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर हमारा जितना भी ऑब्जर्वेशन होता है वो प्रकाश के किरणों पर आधारित होता है। आसपास का वातावरण जरूर ये बदलते हैं, क्योंकि जब कभी इस तरह की कोई घटना होती है तो कुछ एनर्जी एक्स्ट्रा वहां से रिलीज होती है, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है। क्योंकि जब भी आसपास की गैस और धूल के कण ब्लैक होल के नजदीक आते हैं तो वहां पर ऊर्जा का एक क्षेत्र बनता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उससे हमें ये पता चलता है कि ऐसी कोई घटना हुई है। यूनिवर्स के निर्माण की जो चर्चा जब भी होती है, तो आप सभी एक बिग बैंग थ्योरी पढ़ते हैं कि शुरुआत में पृथ्वी जो है पूरे विश्व का या यूनिवर्स का जो द्रव्यमान है वो एक बिंदु पर स्थित था, और वो एक बिंदु जो है उसको अनंत घनत्व वाला बिंदु बताया जाता है। उसमें एक विस्फोट होता है और एक बहुत सेकंड के भी बहुत कम समय में जो है ये विस्फोट होकर के, और इसका फैलाव बड़ी तेजी से होता है, ठीक है, और उसके बाद इसका निर्माण होता है। इसलिए आज भी हम कहते हैं कि हमारा जो अंतरिक्ष है उसका प्रसार हो रहा है लगातार, अंतरिक्ष रुका हुआ नहीं है। अब ये जो 3 ब्लैक होल हमने खोजे हैं इनको एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है? एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई। एक्टिव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां से बड़ी मात्रा में आयनीकृत कण और ऊर्जा जो है वो निकल रही है। ये कण और ऊर्जा आकाश गंगा में चमक पैदा करते हैं, और इनसे वातावरण का तापमान भी बढ़ता है। यहां तक कि विद्वानों ने यह भी कहा है कि आकाश गंगा का अस्तित्व बनाए रखने में इन ब्लैक होल्स की बहुत बड़ी भूमिका है। जैसा कि मैंने आपको बताया, 3 टेलीस्कोप का हमने प्रयोग किया है, जिनमें दक्षिण अफ्रीका में ऑप्टिकल टेलीस्कोप, चिली में स्थित वेरी लार्ज टेलीस्कोप, और भारतीय अंतरिक्ष वेधशाला पर लगा एस्ट्रोसैट अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, इन तीनों का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, तो कुछ चित्र के माध्यम से मैं आपको बता देता हूं एक बार कि कैसे इनका निर्माण होता है। ब्लैक हॉल क्या होता है? ब्लैक हॉल इज एन एरिया ऑफ सच इमेंस ग्रेविटी दैट नथिंग इवन लाइट कैन एस्केप फ्रॉम इट। तो ब्लैक स्कोप जो ब्लैक होल होता है, यहां से लाइट भी जो है निकल नहीं पाती है। ठीक है, ये ब्लैक होल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक होल से लाइट भी नहीं निकल पाती है। ठीक है, अब ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है? ब्लैक होल कैन फॉर्म एट द एंड ऑफ सम स्टार्स। तो जो हमारे तारे हैं, जब तारा नष्ट होने योग्य होता है, मतलब तारे पर क्या होता है कि लगातार आप सभी जानते हैं हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में बदलती रहती है। ठीक है, हाइड्रोजन के अणु जुड़ते हैं और संलयन, नाभिक के संलयन की प्रक्रिया के माध्यम से हीलियम का निर्माण वहां पर होता रहता है। धीरे 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 जब उसकी पूरी हाइड्रोजन खत्म होने की कगार पर पहुंच जाती है, तो उसके बाद में जब उसका पूरा मटेरियल यूज अप हो जाता है और उसके पास कोई भी एनर्जी सपोर्ट नहीं होता है, तो वो बड़ा तारा क्या करता है? कॉलेप्स करता है, मतलब वो बिल्कुल सिकुड़ने लगता है धीरे धीरे। ठीक है, और जब वो सिकुड़ता है तो एक अचानक से एक्सप्लोजन होता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर बड़ी स्थिति में है, फिर उसके बाद में यहाँ पर अचानक से सिकुड़ गया, और फिर क्या हुआ? एक एक्सप्लोजन होगा। जैसे ही एक्सप्लोजन होगा तो क्या होगा? जो बचा हुआ तत्व है, जितना भी एक्सप्लोजन होने के बाद में, विस्फोट होने के बाद में, वो बचा हुआ तत्व एक छोटे से पॉइंट पर केंद्रित हो जाता है। अनंत घनत्व वाला ये जो बिंदु होता है, इसको हम कहते हैं सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी शब्द का प्रयोग ब्लैक होल में स्थित उस बिंदु से है जिस बिंदु पर उस ब्लैक होल का समस्त द्रव्यमान एक बिंदु पर केंद्रित होता है, जो अनंत घनत्व वाला बिंदु है। ठीक है, तो घनत्व इसका बहुत ज्यादा है, द्रव्यमान बिल्कुल कम होगा। ठीक है, ये 2 तरह के हो सकते हैं ब्लैक होल, या तो ये स्टेलर ब्लैक होल हो सकता है या ये सुपर मासिव ब्लैक होल हो सकता है। स्टेलर ब्लैक होल जो है, इसकी अगर हम बात करें तो हमारे सूर्य जैसे कई सूर्य इसमें विद्यमान होते हैं, इतना द्रव्यमान होता है, जबकि सुपर मैसिव ब्लैक होल जो है 1,000 मिलियन सन, 1,000 मिलियन सूर्य जो है उनके बराबर का द्रव्यमान अपने अंदर रखता है, केवल एक छोटे से बिंदु पर यह केंद्रित होता है। जो सिंगुलरिटी बिंदु होता है, इसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होता है, एक एरिया होता है जिससे कोई भी चीज बच नहीं सकती, और इस एरिया को हम बोलते हैं इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन क्या है? इवेंट होराइजन एक एरिया है, इवेंट होराइजन क्या है? एक एरिया है, और इस एरिया को
अंदर अगर कोई भी प्रकाश या कोई भी चीज, कोई भी द्रव्यमान इसके पास से आता है तो वो इसमें समाहित हो जाता है। सपोज कीजिए एक आपका वायुयान है, ये दिख रहा होगा आपको, और ये जो है इस इवेंट होराइजन के पास में आ जाए, तो ये जब जैसे इसके पास आएगा आप देख रहे हैं ये लंबा हो गया, तो इसको बोलते हैं स्पेक्टिफिकेशन। स्पेक्टिक इसको बोलते हैं पास्ता, पास्ता खाते हैं ना, पास्ता को स्पेक्टिफिकेशन बोलते हैं। तो पास्ता जो है ना जैसे लंबा होता है बिल्कुल, ठीक है, एक धागे की तरह लंबी संरचना में होता है, वैसे ही अगर कोई भी प्लेन इस इवेंट होराइजन के एरिया में आएगा तो देखो एक धागे नुमा संरचना में ये जो है इसमें समा जाएगा। तो ये एक विशेष चीज होती है इवेंट होराइजन पर जाने के बाद में। तो इन आकाश गंगा में हमारे जो अंतरिक्ष है इसमें ऐसे बहुत से ब्लैक होल पाए जाते हैं, और इन ब्लैक होल का पता कब लगता है, जब कभी किसी तारे में इस तरह का एक्सप्लोशन होता है, तो एक्सप्लोशन होने के बाद में इसकी जानकारी मिल पाती है। ठीक है, तो ये ब्लैक होल के बारे में थोड़ी सी बेसिक चीजें हैं। कुछ वर्ड आपको याद रखने हैं, सिंगुलैरिटी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मरते हुए तारे जो होते हैं, जो जिनका पूरा का पूरा जो एनर्जी का सोर्स है वो खत्म होने वाला है, उनको सबसे पहले वो एक बिंदु पर केंद्रित होते हैं, फिर उनमें एक विस्फोट होता है और उनका पूरा द्रव्यमान एक छोटे से सिंगुलैरिटी नामक बिंदु पर जो बचा कुचा होता है वो केंद्रित हो जाता है, उसकी वजह से एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अनंत ग्रेविटेशनल फोर्स की उत्पत्ति होती है, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स अपने आसपास आने वाली किसी भी चीज को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसी वजह से वो ब्लैक दिखाई देता है, वहां से कुछ भी वापस नहीं आता, इसलिए हम उसको ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। तो ये ब्लैक होल के बारे में बेसिक जानकारी है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना की। दोस्तों कल केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है इसके 7 साल पूरे हो गए हैं। योजना को 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था, बिल्कुल सही बात है। वर्तमान में 80% जनधन खाता धारक महिलाएं हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। 67% जनधन खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाके में है, ठीक है। और अंत में अगस्त 2021 में कुल 43.04 करोड़ PMJDY खातों में 36 करोड़ चालू है, ठीक है। तो इनमें से ये आपका बी गलत है, क्योंकि 80% जनधन खाता धारक महिलाएं नहीं है, केवल मात्र 55% जो है जनधन खाता धारक कौन है, महिलाएं हैं। तो ये बी आपका गलत है, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो चलिए इस जनधन योजना पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना क्यों शुरू की गई थी, वित्तीय समावेशन के लिए। वित्तीय समावेशन मैंने आपको बता दिया, जो अनसिक्योर्ड लोग हैं या फिर जिनके पास सुविधाएं नहीं है उन तक डिजिटल माध्यमों से या अन्य तकनीकों का प्रयोग करते हुए बैंकिंग, बीमा और ऋण जैसी सुविधाओं को पहुंचाना। तो अंतिम बिंदु या हाशिए पर स्थित लोग जिनके पास में कोई बैंकिंग सुविधाएं नहीं है उनको इस तरह से ये सुविधाएं प्रदान करना ही वित्तीय समावेशन कहलाता है, क्योंकि वो एक्सक्लूडेड है, तो जो एक्सक्लूडेड है उसको इंक्लूड करना ही वित्तीय समावेशन है, ठीक है। इसको 7 साल पूरे हो गए हैं, 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा हुई थी और प्रधानमंत्री ने इसके बाद 28 अगस्त को इसको लॉन्च किया था। जब इसकी शुरुआत हुई तो मार्च 2015 में टोटल खातों की संख्या थी 14 करोड़, एक 6 महीने के भीतर 14 करोड़ के करीब खाते थे, और वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर हो गई है 43.04 करोड़। तो आज की तारीख में देश के एक बहुत बड़े वंचित वर्ग को बैंकिंग फैसिलिटीज का लाभ मिल चुका है। 55% जनधन खाता धारक महिलाएं हैं और 67% जनधन खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाके में, जो ये दर्शाता है कि इसके अंतर्गत निश्चित रूप से फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो हुआ है। अगस्त 2021 में कुल 43 करोड़ खातों में से 36 करोड़ चालू हैं, तो 86% खाते ऐसे हैं जिनमें ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि खाते बिल्कुल डोरमेंट होकर के पड़े हैं, नहीं, इनमें लगातार ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय सेवाओं यानी बैंकिंग, जमा खाते, विप्रेषण मतलब रेमिटेंस, पैसे को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ठीक है, बीमा सुविधाएं, पेंशन सुविधाएं आदि पहुंचाने का काम कर रही है। तो देखिए सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, अभी हाल ही में आप सभी को पता होगा जब कोरोना की वजह से जो है लॉकडाउन जैसी स्थिति देखने को मिली, तो सरकार द्वारा 500 रुपये भी जो है इन खातों में ट्रांसफर किए गए थे। तो ये सारी चीजें तभी हो पाई जब हमारे पास अकाउंट थे। अगर हमारे पास में अंतिम बिंदु तक व्यक्ति जुड़ा हुआ ना होता तो पारदर्शिता के माध्यम से जो है हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं कर सकते। हमारे पास ये ट्रिनिटी, जैम ट्रिनिटी जो है, जनधन, आधार और मोबाइल, तो ये तीन चीजों को मिलाकर के जैम ट्रिनिटी बनती है। इसका मतलब है आपने एक जनधन खाता खोला व्यक्ति का,
उसको आधार कार्ड से लिंक किया और मोबाइल से उसका वेरिफिकेशन किया। ये तीन चीजें करके और लोगों को न केवल इंफॉर्मेशन मिल रही है बल्कि इसके साथ साथ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स भी उनको मिल पा रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से एक बहुत ही बेहतर कदम है और वित्तीय समावेशन के इतिहास में इतना बड़ा प्रोग्राम आज तक कहीं पर नहीं चला जो भारत में जनधन के रूप में चलाया गया है। कुछ बेसिक्स हम देख लेते हैं, बेसिक टेनेट्स ऑफ द स्कीम। बैंकिंग द अनबैंक, अभी तक जिसने बैंक का नाम भी नहीं देखा था उनको बैंकिंग फैसिलिटी देना। सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड, जिनको अभी तक कोई सुरक्षा या सामाजिक रूप से उपलब्ध नहीं थी उनको सुरक्षा प्रदान करना। फंडिंग द अनफंड, जो अभी तक स्थानीय रूप से ग्रामीण लैंडिंग लैंड जो लैंड जो देने वाले होते थे साहूकार, उन पर निर्भर करते थे ब्याज की दरों पर, वो अब बैंकों से सीधे जो है ऋण ले पा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, एनश्योर एक्सेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एट अफोर्डेबल कॉस्ट, बहुत ही कम लागत पर लोगों को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना। और यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू लोअर कॉस्ट एंड वाइडन रीच, तकनीक का प्रयोग करते हुए निम्नतम वर्ग तक पहुंच को सुनिश्चित करना, इसी चीज को लेकर के इसे शुरू किया गया। सिक्स पिलर्स इसके कौन कौन से हैं, यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग सर्विस, सार्वभौमीकरण करना बैंकिंग सर्विसेज का, मतलब हर व्यक्ति को इंक्लूड करना। क्रिएशन ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड, क्रेडिट गारंटी फंड इसके अंतर्गत बनाए गए हैं। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज देखिए, बेसिक सेविंग अकाउंट विद ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ 10,000 टू ईच एलिजिबल एडल्ट, तो 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को 10,000 रुपए तक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी इन अकाउंटों में दी जाती है जो रेगुलर अपने अकाउंट को चलाते रहते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, लोगों को शिक्षा भी प्रदान की गई है कि कैसे वे वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बना सकते हैं, कैसे उनका बेहतर प्रयोग वो अपने जीवन को बढ़िया बनाने में कर सकते हैं। पेंशन स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, जैसे कि अटल पेंशन योजना जो है हमने देखी, तो ये सारी योजनाएं किस लिए लाई गई, ताकि छोटे छोटे स्तर पर 100 200 300 रुपए महीने के निकाल करके अंत में वृद्धावस्था के लिए पेंशन की व्यवस्था हो सके। माइक्रो इंश्योरेंस, ठीक है, तो जैसे 1-1 लाख रुपए का इंश्योरेंस आप देखते हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है, इस तरह की जो योजनाएं हैं उनसे क्या होता है, छोटे स्तर पर लोगों को लाख 2-2 लाख रुपए का इंश्योरेंस देके कम से कम कुछ तो उनको मिले जब भी उनके साथ कुछ ट्रेजेडी हो, इस अवधारणा पर आधारित ये काम इसमें किए गए हैं। ठीक है, तो ये 6 पिलर्स हैं आपके प्रधानमंत्री जनधन योजना के। चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आरएएस और एसआई 2021 के लिए करंट अफेयर्स का पूरा जो बंच है वो आपको 2 साल के करंट अफेयर्स के रूप में हमारी एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। ठीक है सर, आरएएस प्रिपरेशन में मोटिवेशन टूटा जा रहा, किया करूं मैं, एवीएनएल में हूं टेक्निकल पोस्ट पर। मोटिवेशन क्यों तोड़ना है, पता है मोटिवेशन कब टूटता है छात्रों का, आपको ऐसा कब लगता है कि अब तैयारी नहीं हो पा रही है या परेशान हो गए, ऐसा तब लगता है जब आप जो है खुद को परिणाम से मान लेते हैं। हम तैयारी क्यों कर रहे हैं, क्या केवल परिणाम आएंगे या फिर हम सिलेक्शन होंगे, इसीलिए हम जीवन में तैयारी करते हैं। अगर आपके सिद्धांत पर किसान लोग काम करने लग जाए तो आप भूखे मर जाओगे, है कि नहीं। इस साल आपको पता होगा कि राजस्थान के बहुत से जिलों में सूखा पड़ा है और बहुत से किसान जिन्होंने फसलें अपनी बोई थी उनकी फसलें बिगड़ चुकी है, तो क्या वे अगली साल फसल नहीं बोने वाले। तो ये जो ये एक माहौल आपको लगता है ना कई बार कि सर टूट जाते हैं, तैयारी हो नहीं पाती है, वो इसलिए होता है क्योंकि आप खुद को उस परिणाम की अनिश्चितता से मान लेते हैं जो आपके हाथ में ही नहीं है। आप ये सोचना शुरू कर देते हैं कि मेरा क्या होगा, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, एग्जाम होगा या नहीं होगा, बल्कि फोकस हमें इस चीज़ पर करना चाहिए कि मेरी तैयारी कहाँ तक पहुँची, मैंने कितना सिलेबस कवर कर लिया, अब मुझे और कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है, मैं अपने सोने के घंटे कम करूँ या नहीं करूँ। ठीक है, तो फोकस कीजिए थोड़ा सा। अगर आप लोग केवल इसी चीज़ पर निर्भर रहेंगे कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, रिजल्ट रहेगा या नहीं होगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो वो ये सोचने ही सोचने में आप अपना बहुत ही बहुमूल्य समय जो है व्यर्थ गवा देते हैं। जो मिलता है समय उसमें जो कुछ अवेलेबल है उसे पढ़ो बस। मैं हमेशा यही कहता हूं, हमारे पास जो कुछ अवेलेबल है जो हमारे सिलेबस में उसे हम पढ़ें, पढ़ने पर फोकस करने की बजाय यदि हम अपने दिमाग को बाकी चीजों में लगाते रहेंगे तो ना तो हमारा रिविजन होगा, ना सिलेबस कवर हो पाएगा, और हम भी उन्हीं छात्रों की श्रेणी में आ जाएंगे जो रोना रोते रहते हैं। रोना रोना बंद कीजिए, असफल सब होते हैं। आपके सामने मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण हूं, ठीक है, 2-4 नंबर से मैं भी असफल हुआ ना इस बार, अगर 2-4 नंबर और ज्यादा आ जाते, लेकिन वो कम क्यों आए, उन कारणों पर मंथन करना चाहिए, कहां कमी रही, किन क्षेत्रों को हमने छोड़ दिया,
उनको कवर अप करके और अगली बार जो है दुगने जोश से हम तैयारी करें। अभी 2 महीने हमारे पास में है, मान लीजिए आज 28-29 अगस्त हुई है, 2 महीने आप मेहनत कर लीजिए, 2 महीने 60 दिन आप केवल अपनी तरफ से फुल दे दीजिए, फिर उसके बाद सिलेक्शन होता है तो ठीक, नहीं होता है तो ठीक। अफसोस मन में यह नहीं रहना चाहिए कि मैंने पढ़ाई नहीं की। ठीक है, जीवन का सबसे बढ़िया, अगर आपको सुखी रहना है, संतोष में रहना है, तो यही तरीका है। और अगर आप केवल यही रोना रोते रहोगे कि सर कैसे पढ़े, 4 घंटे मिलते हैं, अरे कई ऐसे छात्र भी है जिनको 1-1 घंटे भी नहीं मिलते। मुझे तो केवल 15 दिन मिले थे पिछले प्रीलिम्स में 2016 में, पिछले मेंस के अंदर मुझे 1 महीना मिला केवल, उस समय भी अनअकैडमी पे क्लासेस होती थी, तो मैं उस चीज का रोना रोता रहूं कि मुझे समय नहीं है। और अभी आपकी क्लासेस लेने में मुझे कितना समय मिलता है, बाद में खुद की पढ़ाई के लिए कुछ समय नहीं मिलता, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जीवन यही है, संघर्ष करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। सिलेक्शन या सफलता उस दिन मिल जाएगी जब हमारा संघर्ष पूरा हो जाएगा, हमारी मेहनत पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो उस पर फोकस कीजिए। अभी जितना भी टाइम है रिविजन करने पर फोकस कीजिए, खासकर SI के छात्र, जो कुछ पीछे पढ़ लिया है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि वो पढ़ा हुआ बना रहे और एग्जाम में हम लिख सके, नया पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी SI के लिए करंट की बात कर रहे हो तो 31 अगस्त तक का करंट पढ़ लेना, उतना सफिशियंट है, बाद के 10-15 दिन का करंट जो है वो इतना आपको नहीं पूछा जाएगा। चलिए, तो आप पीछे का रिविजन करने के लिए इसका बुक का लाभ उठा सकते हैं, एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, बहुत बढ़िया करंट अफेयर का मैटर है, आपको आप 10 जगह धक्के खा के आओगे, उसके बाद में यही आपको अच्छा लगेगा, मुझे ये पूरी उम्मीद है। ठीक है, चलिए, गांडीव, निम्नलिखित में से किस एक सशस्त्र बल का वार्षिक अभ्यास है? दोस्तों NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है वो हर साल एक अभ्यास करते हैं जिसको गांडीव के नाम से जाना जाता है। ये गांडीव नामक जो अभ्यास है ये NSG का 3रा संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया 22 अगस्त से 29 अगस्त तक देश के अलग अलग शहरों में। तो NSG का काम जो है दोस्तों हमारे जो VVIPs है उनको प्रोटेक्शन प्रदान करना, और इसके साथ साथ देश में अचानक होने वाली किसी भी इंसर्जेंसी की स्थिति में त्वरित जो है प्रतिक्रिया प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य होता है। तो 22 अगस्त से 28 अगस्त तक इसका आयोजन हुआ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई शहर इसमें सम्मिलित हुए, खास करके आतंकवाद जो है उसकी घटनाओं को रोकने का काम NSG करता है। अभ्यास का उद्देश्य आतंकवादी हमले, किसी विमान के अपहरण या बंधक स्थिति में कमांडो बल के योजना मापदंडों को मान्य करना, मतलब जो तरीका या स्ट्रेटेजी इनके द्वारा अपनाई जाती है, जो प्लानिंग ये करते हैं, उस प्लानिंग को वेरीफाई करना है कि क्या ये प्लानिंग बिल्कुल सही है। 1984 में आतंकवादी और अपहरण के खतरों को बेअसर करने के लिए सर्जिकल कमांडो ऑपरेशन करने के लिए NSG को एक संघीय आतंकवाद रोधी दल के रूप में खड़ा किया गया था, और विभिन्न प्रकार के जो हमारी अर्धसैनिक बल और जो आर्मी है वहां से चुनाव किया जाता है सबसे बेहतर लोगों का, और उनको जो है NSG के अंदर काम करने के लिए जो है जगह दी जाती है। शेयर डेस्टिनी 2021 साझा भाग्य 2021, ये एक युद्ध अभ्यास है, मल्टी सेक्टरल युद्ध अभ्यास है, बहुत से देशों ने इसमें भाग लिया है बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास के रूप में, और इसमें जो है चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड, इन 4 देशों ने भाग जो है इसमें लेने वाले हैं। तो अगले महीने से ये शुरू हो रहा है, रूस भाग नहीं लेगा, चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड, ये 4 मित्र देश जो है वो इसमें भाग लेंगे। तो चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड के बीच में ये अभ्यास होगा, सितंबर 2021 के महीने में आयोजित होगा चीन में, चीन का हैनान प्रांत जो है वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। अभ्यास का परिदृश्य बहुराष्ट्रीय शांति सेना बलों का संयुक्त अभियान है, और अभ्यास अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर और यथार्थवादी युद्ध मानकों के अनुसार किया जाएगा। कुल मिलाकर आपको नाम याद रखना है तो 4 देशों का नाम याद रखना है बस, इससे ज्यादा इसमें आपको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल के 7 करंट अफेयर आपके आते हैं RS एग्जाम में, तो टोटल 20 में से, इसलिए ये इंटरनेशनल खबरें कवर करना भी जरूरी हो जाता है। प्रदेश की पहली हेलीकॉप्टर जॉयराइड का शुभारंभ कहां पर किया गया है? दोस्तों नाथ द्वारा जो है वहां पर कल प्रदेश की पहली हेलीकॉप्टर जॉयराइड जो है उसका शुभारंभ हमारे लोक जो विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी, जिनका क्षेत्र भी है नाथ द्वारा, उनके द्वारा किया गया। तो ये जॉयराइड पहली ऐसी जॉयराइड है जिसमें हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो पर्यटन स्थल है उसका भ्रमण किया जाएगा। इसमें नाथ द्वारा आने वाले पर्यटकों को उदयपुर, नाथ द्वारा और कुंभलगढ़ के नैसर्गिक सौंदर्य का हेलीकॉप्टर के माध्यम से निहारने का मौका मिलेगा। उदयपुर, नाथ द्वारा और राजसमंद में जॉयराइड का किराया कंपनी ने 3,999, जबकि कुंभलगढ़ के लिए 4,999 रुपये तय किया है।
5 से 10 मिनट की ये फ्लाइट होगी, जिसमें आप जो सुंदरता है इस क्षेत्र की उसका आनंद ले सकेंगे। ठीक है, चलिए। यहाँ पर हमारे करंट पूरे होते हैं, आपके लिए बहुत से कोर्सेज हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, चाहे वो पॉलिटी का कोर्स हो, चाहे वो आपका मैथ्स एंड रीजनिंग का कोर्स हो। सर का मिडिवल हिस्ट्री का कोर्स भी जो है एप्लीकेशन पर चल रहा है, वहाँ पर भी वीडियोज अपलोड होना शुरू हो गए हैं। और साइंस एंड टेक का भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, सर के साथ में कोऑर्डिनेशन में हूँ, जितना जल्दी हो सके आएगा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आप अपनी तैयारी में जुटे रहिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।